हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारे चैनल पे हम बनाने जा रहे हैं एनर्जी बार, जो कि फुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स, ओट्स और फुल ऑफ एनर्जी है। एक ही बार में आपको बहुत ही एनर्जी मिल जाएगी। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और सबसे अच्छी बात है ये घर पे बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल एनर्जी बार। तो उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स, मैंने इसमें बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू, अंजीर और फ्लैक्स सीड्स लिए हैं। आप और भी जो सीड्स लेना चाहें आप वो ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स या और भी आप अपने इच्छा के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब मैंने इसे रोस्ट किया है, ध्यान दीजिएगा मैंने इसे बिल्कुल ड्राई रोस्ट किया है क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो मैं इसमें घी, बटर, एडेड शुगर, मैं इसमें कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। आप बस इसे देखते जाइए ये कितना हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी बनेगा। तो हमने इसे ड्राई रोस्ट कर दिया। अब हमने लिया है एक कप ओट्स, इसी पैन में हम ओट्स को भी हम लोग रोस्ट कर लेंगे। इसमें भी हमने नीचे कुछ ऐड नहीं किया है, इसे ऐसे ही रोस्ट करेंगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा, फटाफट से हो जाता है 2 मिनट में ही, हमें बस इसे तब तक रोस्ट करना है। फिर हमें इसे भी अलग निकाल के रख देना है। अब हम इसके हमारे बनाते हैं वेट इंग्रेडिएंट्स। वेट इंग्रेडिएंट्स में मैंने सबसे पहले लिया है डेट्स, जिसके मैंने सीड्स अलग कर दिए हैं और मैंने उसे बहुत ही कोर्सली ग्राइंड किया है। इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनेगा, थोड़ा सा कोर्सली ग्राइंड होगा। अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे वार्म वाटर, लगभग 3 से 4 चम्मच हमने इसमें वार्म वाटर डाला है, बॉयल वाटर नहीं, वार्म वाटर डालना है, फिर इसे ग्राइंड करना है। तो देखिए इसका ऐसा पेस्ट एक बन जाएगा। अब हमें वही हमारा पैन लेना है और हमें इसी पेस्ट को उस पर थोड़ा सा रोस्ट करना है। 3 से 4 मिनट इसको हाई फ्लेम पे हमको रोस्ट करना है। ध्यान दीजिए हमने इसमें भी नीचे कुछ भी ऐड नहीं किया है, घी या कुछ भी, हमें इसे ऐसे ही रोस्ट करते जाना है, घुमाते घुमाते इसके साइड्स निकालते जाने हैं और 3 से 4 मिनट हमें इसे हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करना है। बिल्कुल आप इसे चलाते रहिए और ये रोस्ट होता जाएगा। 4 मिनट हो चुके हैं इसे रोस्ट करते हुए। अब हम इसे 3 चम्मच हनी डालेंगे। ये जो हनी है वो इसे मीठा और इसे बाइंड करने का काम करेगी, क्योंकि हमारी जो डेट्स हैं वो भी ऑलरेडी मीठी ही हैं, हनी भी हमारा मीठा ही होता है। तो ये दोनों पेस्ट जब हम हमारे ओट्स और ड्राई फ्रूट्स में ऐड करेंगे तो वो हमारा स्वीटनेस और बाइंडिंग का काम करेगा। इसे लगभग हमने 8 मिनट तक रोस्ट किया है। अब ये साइड्स इसके छूट गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में, जिसमें हमने ओट्स और हमारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे मिक्स करके, उसमें हम ऐड कर देंगे। ये हमारी बाइंडिंग का काम करेगा। इसे गरम गरम ही ऐड करिएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए, दबा दबा के मिक्स कीजिएगा, क्योंकि ये जो थोड़ा सा इसकी गांठ बन जाती है। अब हमने एक ट्रे लिया है, उसमें हमने बेकिंग पेपर बिछा दिया है। आप चाहे तो एक थाली में नीचे घी भी थोड़ा सा लगा के या थोड़ा सा ग्रीस करके फिर इसे बिछा सकते हैं। देखिए इसे दबाना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बाइंडिंग होगी और बहुत ही कटने में आसानी होगी। इसके बार्स बहुत अच्छे कटेंगे, इसलिए इसे दबाते हुए आप सेट कीजिएगा। आप चाहें तो इसे एक कटोरी पे नीचे से थोड़ा सा ग्रीस करके घी और उससे दबा के इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल टाइट हो जाना चाहिए ताकि इसके बार अच्छे से कटें। बिल्कुल अच्छे से इसे प्रेस करते हुए आप इसे जमा दीजिए। अब हमें इसे 2 घंटे रेफ्रिजरेटर में रखना है, ऊपर नहीं नीचे वाले, हमें इसे फ्रिज में ही रखना है 2 घंटे के लिए। और 2 घंटे बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सेट हो चुका है। देखिए ऊपर से बिल्कुल हार्ड हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। अब हम इसे एक प्लेट पे ट्रांसफ़र करेंगे और हम इसे अपने मन चाहे शेप्स में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर्स छोटे बच्चों के लिए, या आप चाहें तो इसके जैसे मार्केट में इसके रेक्टेंगल शेप्स आते हैं वैसे इसे कट कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। और अगर नहीं होता है तो आप अपने चाकू को थोड़ा सा गैस पे गरम कर दीजिए, फिर देखिए इसके कितने प्यारे बार्स कट हो जाएंगे। और ये हमारा रेडी है प्रोटीन एनर्जी बार। इसे इंजॉय कीजिए और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पे नेक्स्ट क्या रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट, च्यूई और बहुत ही हेल्दी हैं।
बच्चों को दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आफ्टर वर्कआउट इसे इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको इसे स्टोर करना है तो आप इसे बटर पेपर पे रैप करके स्टोर भी कर सकते हैं। इन्जॉय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।